हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिटार ट्यूब के बारे में। पिटार ट्यूब को यूज करते हुए हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, पिटार ट्यूब को यूज करते हुए वेलोसिटी मेजर कर लिया है पाइप के अंदर। वेलोसिटी यानी किसी पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है तो किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम पिटार ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी आपने वाटर की वेलोसिटी को या किसी लिक्विड की वेलोसिटी को मालूम करने के लिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन इंटरफेस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, और उसमें आप क्या करते थे कि कलेक्टिंग टैंक में वाटर को कलेक्ट करके उसकी वॉल्यूम मेजर करते थे, और कितने टाइम में वो वॉल्यूम मेजर कलेक्ट हुई वो आपको बताता था कि डिस्चार्ज कितना है, और फिर जिस एरिया में आपने वाटर फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे डिवाइड करके आप वेलोसिटी निकाल सकते थे। लेकिन ये जो वेलोसिटी निकलती है ये एवरेज वेलोसिटी होती है। ये कौन सी वेलोसिटी होती है? एवरेज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन अगर आपको पाइप के पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पाइप है इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, सपोज करके इसका डायमीटर डी है, तो डी डायमीटर है, आपको इस सेंटर के ऊपर इसके यानी यहाँ अगर इस बाउंड्री से आप बात करें, टॉप से बात करें, तो यहाँ पे रेडियस आर के बराबर डिस्टेंस पे सेंटर पे आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है फ्लो की। तो आप कैसे मालूम करेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी होगी क्योंकि पाइप के अंदर जब वाटर फ्लो करता है तो आपको पहले बताया था कि आइडियल ट्यूब के केस में तो सब जगह वेलोसिटी सेम है, लेकिन आइडियल ट्यूब नहीं होता बल्कि रियल ट्यूब होता है। तो रियल ट्यूब के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल जो है इस तरीके से बनेगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी या जीरो होगी बाउंड्री की वजह से, बाउंड्री पे वेलोसिटी जीरो रहेगी ट्यूब की, और मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी वो सेंटर पे होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे होगी यानी इस से r डिस्टेंस पे जो है मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर उसके बाद ये दोनों तरफ डिक्रीज होती चली जाएगी वेलोसिटी। तो इस वजह से आपको इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ वेलोसिटी निकालना चाहें तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग आएगी, v1 सपोज कर लीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी आप निकालना चाहें सेंटर के ऊपर तो यहाँ पे फील्ड, तो ये इस तरीके से वेरी करके चली जाएगी वेलोसिटी। तो पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पाइप फ्लो में आपको वेलोसिटी निकालनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको पिटार ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पिटार ट्यूब को कैसे यूज करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक पिटार ट्यूब जो होती है, एक ट्यूब होती है एल शेप की, 90 डिग्री बेंड होता है इसमें, और आगे यहाँ पे इसमें एक ओपनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, तो जैसे ये आपका पाइप है उसके अंदर आपने इसको इस पॉइंट पे लगा दिया इस पिटार ट्यूब को, और जब कोई फ्लूइड पार्टिकल इससे आके टकराएगा तो यहाँ टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यानी वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए इसके अंदर जो प्रेशर मेजर होता है पिटार ट्यूब के अंदर, जब वो फ्लूइड पार्टिकल्स आएंगे तो उसकी वजह से एक हेड राइज होगा यहाँ पे, सपोज करके उसको हम एच वन कहते हैं, ये कैपिटल एच कहते हैं। तो ये जो हेड होगा ये हेड कहलाता है स्टैग्नेशन हेड, स्टैग्नेशन हेड, स्टैग्नेशन हेड, क्योंकि यहाँ पे वाटर आके स्टैग्नेट हो गया। स्टैग्नेट कहते हैं रुक जाने को या फिर हेड जाने को। तो यानी आपने क्या किया कि जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी थी उसको आपने
डार्क ट्यूब जो होती है, जिस पीजोमीटर होता है, पीजोमीटर में हम क्या करते हैं, फ्लो को रोकते नहीं है, बल्कि फ्लो के साइड में आप एक ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, पाइप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका हेड राइज होता है और वो स्टैटिक हेड होता है, वो क्या कहलाता है, स्टैटिक हेड। तो स्टैटिक हेड जो है वो हमेशा स्टैग्नेशन हेड से कम होगा। सपोज करिए कोई स्मॉल एच है और ये कैपिटल एच है जो आपको डार्क ट्यूब के जरिए मिला, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एच माइनस एच, तो वो आपकी वेलोसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में, डार्क ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है कि आपने डार्क ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए उसके हेड को मेजर कर लेना है कैपिटल एच, और पीजोमीटर के हेड को मेजर कर लेंगे स्मॉल एच अगर आप उसको कह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो हेड का डिफरेंस होगा तो उसके जरिए आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो जब आप बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे दोनों के बीच में तो कैलकुलेशन करके आपको वेलोसिटी जो मिलेगी, वेलोसिटी जो है वो सी इंटू अंडर रूट 2g एच माइनस एच, यानी स्टैग्नेशन हेड माइनस पीजोमेट्रिक हेड, और ये सी जो है ये कांस्टेंट है जो कि डार्क ट्यूब कांस्टेंट कहलाता है, और डार्क ट्यूब के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं सी इनटू अंडर रूट 2g एच डैश, एच डैश क्या है, एच माइनस एच। तो इस तरीके का हमें सेटअप करना पड़ेगा कि हम पीजोमेट्रिक हेड लें और साथ में पिटार ट्यूब में जो हेड आ रहा है स्टैग्नेशन हेड उसको हम कैलकुलेट करें, और दोनों के डिफरेंस को यूज करते हुए हम पिटार ट्यूब से वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। अब इसमें एक सिंपल पिटार ट्यूब होती है जिसमें डायरेक्ट आप स्टैग्नेशन हेड मिलता है, और एक होती है पिटार स्टैटिक ट्यूब, पिटार स्टैटिक ट्यूब। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है पिटार स्टैटिक ट्यूब में, पिटार्ड स्टैटिक ट्यूब ही एक्चुअली हम यूज करते हैं पाइप के अंदर डिस्चार्ज को या वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, और सिर्फ अगर हमारे पास पिटार्ड ट्यूब है तो उसका इस्तेमाल हम ओपनिंग चैनल फ्लो में रिवर्स में करते हैं। तो यहाँ पे पिटार्ड ट्यूब और पिटार्ड स्टैटिक ट्यूब में क्या फर्क होता है कि पिटार्ड स्टैटिक ट्यूब में दो ट्यूब होती है, एक ट्यूब इसी ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब लगा देते हैं, और ये जो मिडिल वाली ट्यूब है ये स्टैग्नेशन हेड को मेजर करती है, और इसके अलावा जो ट्यूब है वो एक ट्यूब यहाँ पे लग देती है, यहाँ ओपनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इस जगह पे ओपनिंग प्रोवाइड करती है, एक ओपनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से जो वाटर फ्लो करता है तो वो जिस तरीके से यहाँ पे पीजोमीटर में राइज लेगा उसी तरीके से इसमें राइज करेगा इन दो इस वाली ट्यूब के अंदर, और यहाँ पे जो हेड मेजर होगा वो स्टैटिक हेड मेजर होगा, साइड से जो हेड मेजर होगा वो स्टैटिक हेड मेजर होगा, और जो मेन ट्यूब में हेड मेजर होगा यानी ये स्टैग्नेशन हेड मेजर होगा। तो इस तरीके से एक ही ट्यूब के अंदर आपको दोनों रीडिंग मिल जाएंगी, मीटिंग वाली जो ट्यूब है यानी स्टैटिक ट्यूब उसमें आपको स्टैग्नेशन हेड एचएस मिल जाएगा, और जो आपका साइड वाली लेग्स में जो ट्यूब है साइड में जो ट्यूब है उसके अंदर आपको पीजोमेट्रिक हेड मिल जाएगा स्मॉल एच, और इन दोनों के डिफरेंस से आप डायरेक्टली वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ ओपनिंग प्रोवाइड करने से क्या हो जाएगा कि वाटर डायरेक्टली राइज करेगा, प्रेशर हेड आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम पिटार्ड स्टैटिक ट्यूब कहते हैं। तो पिटार्ड स्टैटिक ट्यूब आप जो है यूज करते हैं पाइप फ्लो के अंदर, और सिंपल पिटार्ड ट्यूब आप यूज कर सकते हैं ओपन चैनल फ्लो के अंदर। अगर आपको सिंपल पिटार्ड ट्यूब